तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की सर्च हिस्टोरी को एक साथ कैसे डिलीट करोगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक एक को डिलीट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर सभी को एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब के सर्च हिस्टोरी को डिलीट कैसे किया जाता है। एक साथ में पूरा सब डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, मैं उसे आपके सामने स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आप देख सको यहाँ पे। तो जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, मैंने उसे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही होगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने यूट्यूब को ओपन किया है। ऊपर जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर जो सर्च हिस्टोरी है वो मैंने यहाँ पर कितना सर्च किया। अगर इसे एक एक डिलीट करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर सभी को एक साथ डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल ऊपर कोने में आपको दिख जाएगा अपना लोगो, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे सबसे नीचे आ जाएगा सेटिंग का। तो आपको क्या करना है, सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है मैनेज ऑल हिस्टोरी का। मैनेज ऑल हिस्टोरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी आपके फ़ोन में जीमेल आईडी रहेंगी वो सभी के सभी आ जाएंगी। अभी जो आपकी जीमेल आईडी लॉगिन थी, जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चल रहा था उसकी सर्च हिस्टोरी डिलीट करनी है, तो वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो जीमेल आईडी को आपने यहाँ पर लॉगिन किए थे यूट्यूब में। तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको बस इतना ध्यान देना कि जिसके डिलीट करनी है उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जो आपके यूट्यूब में लॉगिन है। उस बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जितना भी आपने सर्च किया होगा वो सभी के सभी यहाँ पर नीचे दिख जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर जितना आपने सर्च किया होगा सभी दिख जाएगा। डिलीट करने के लिए आपको सामने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर डिलीट का। डिलीट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको डिलीट टूडे का ऑप्शन मिलेगा। अगर आज जितना आप सर्च किए हो आज के दिन में, अगर उसे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट टूडे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर यहाँ पर देखिए डिलीट कस्टम रेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ आप डिलीट कर पाओगे। और सभी को एक साथ डिलीट करना है तो डिलीट ऑल टाइम का ऑप्शन नीचे दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे डिलीट का बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए डिलीट कंप्लीट हो चुका है। डिलीट हो चुका है, गो डिलीट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सीधे बैक आ जाते हैं यहाँ पे। बैक आ जाने के बाद अब मैं यहाँ पर सर्च का ऑप्शन जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये अभी दिख रहा है इस तरीके से। तो मैं बैकग्राउंड से अभी इसे रिमूव कर देता हूँ, जो ये है इसे मैं यूट्यूब को रिमूव कर दिया। अब मैं इसे ओपन करके अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो जो जितना भी था वो सब कुछ यहाँ पर देखिए डिलीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर्च हिस्टोरी में, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप यूट्यूब पर सर्च हिस्टोरी को एक साथ डिलीट कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसा ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।